हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। मैं समीर, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज पैकेज एयर कंडीशन के अंदर आए, थ्री फेस एयर कंडीशन है। इसके दोनों सिस्टम के अंदर गैस नहीं है और हम यहाँ पे गैस का भी काम करेंगे और बताएंगे कि हमें काम कैसे करना चाहिए थ्री फेस के अंदर और किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और सेफ्टी क्या करनी चाहिए। तो हमारे यहाँ पे भी नाइट्रोजन का सिलेंडर सामने मौजूद है, इसके अंदर फुल नाइट्रोजन भरा हुआ है। तो हम एक एक करके फाइन करेंगे किसमें लीकेज है और वो कैसे बंद होगा, ये भी देखेंगे। तो जाफर भाई यहाँ पे लगे पड़े वाल को खोलने के चक्कर पे, यहाँ पे इसका वाल भी लीकेज है क्योंकि हमने पहले नाइट्रोजन का प्रेशर थोड़ा डाल के हमने होल्ड पे करके देखे थे। तो इसका वाल भी लीक है और डिस्चार्ज का जो पाइप जा रहा है कंडेंसर में वो भी लीकेज है। तो उसको रिपेयर करते हुए हम दिखाएंगे। ये पैकेज ए सी हम इनडोर दिखा देते हैं, यहाँ पे लगे पड़े पहला वो वाला है, दूसरा ये वाला है, तीसरा ये वाला है। तो तीनों में ही प्रॉब्लम है, तो पहले दो को लपटाएंगे फिर तीसरे को करेंगे। लो जफर भाई कुछ बोलोगे, मैसेज दोगे कुछ? ठीक है ना, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब आसान है भैया। के सेफ्टी जरूरी है, सबसे पहले लाइन बंद करनी होती है किसी भी मशीन थ्री फेजर चालू करने से पहले या खोलने से पहले। उसको पहले मेन स्विच बंद करो। एक बार क्या होता है, इनका पैनल बंद होता है लेकिन मेन स्विच बंद नहीं होता, मेन एमसीबी। तो हमने मेन एमसीबी और कॉन्ट्रैक्टर वाली सप्लाई दोनों ही प्रॉपर बंद करनी है, तभी आगे कोई काम करना है ताकि कोई दुर्घटना ना घटे। सबसे पहला फर्स्ट यही अपना सेफ्टी का। बाकी नाइट्रोजन से काम करते हैं तो नाइट्रोजन से बहुत सेफ्टी से काम होता है। अगर कोई अनट्रेन बनता है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप नाइट्रोजन का यूज़ ना करें। पहले एक दो दिन ट्रेनिंग ले लें तो ही नाइट्रोजन का यूज़ करें, तो नहीं करें क्योंकि उससे दुर्घटना कुछ ज़्यादा खतरनाक होती है। ओके, तो जैसे कि देख सकते हो इसका क्वार्टर का वाल लीक था, तो ये दोनों वाल रिप्लेसमेंट हो रहा है। और हाई प्रेशर स्विच ये भी लीकेज है, इसको भी रिप्लेसमेंट करेंगे। और यहाँ पे ये डिस्चार्ज की लाइन है, इसको भी हम रिपेयर करेंगे। तो आप ब्रीजिंग कर रहे हैं, डिस्चार्ज के वाल में ब्रीजिंग हो गया, सेक्शन के वाल पे ब्रीजिंग करेंगे। ठीक है, हाँ हो गया, बस करो, ले बेटा बंद कर दे। तो जैसे कि ब्रेजिंग हो गया, जो डिस्चार्ज का वाल्व कंडेंसर की तरफ जा रहा है, ये ब्रेजिंग हो गया। अब हाई प्रेशर स्विच को रिप्लेसमेंट करेंगे। पानी प्रसिद्ध बना पता है, जैसा पहले आपने वीडियो में देखा था कि ये दोनों वाल लीक थे इसके, और अंदर से लीकेज था और हाई प्रेशर स्विच भी लीक था। तो इसका हाई प्रेशर स्विच और दोनों वाल चेंज कर दिए। अब जो स्टेज चल रहा है वो वैक्यूम का चल रहा है। तो ये बड़ी मशीन है, तो बड़ी मशीन को है दोनों से ही वैक्यूम करा जाता है। इसमें वैक्यूम पंप जो होता है वो डबल स्टेज का होता है, नहीं बड़ा होता है, तकरीबन 2-3 हॉर्स पावर का। तो हमारे पे अभी इमरजेंसी में नहीं था, तो हमने क्या करा, दोनों दो वैक्यूम पंप को यूज़ करा है ताकि प्रॉपर वैक्यूम हो सके। वैक्यूम कम से कम आधे से एक घंटा वैक्यूम होएगा, एक घंटा मिनिमम है कि एक घंटा वैक्यूम होएगा ही होगा। उसके बाद वैक्यूम स्टैंड करके फिर हम इसमें गैस चार्ज करेंगे। इसमें R22 गैस है, R22। अब हम इसमें R22 गैस चार्जिंग कर रहे हैं। उस सिलेंडर में R410 लिखा हुआ है क्योंकि हम बाहर से फिलिंग करवा के ले गए, उन पर 22 का सिलेंडर साबुत नहीं था, इसलिए बोलियो। बोलो जी। हाँ जी भाई जी, थोड़ा मतलब सीरियस हो गए, नहीं थोड़ा सा मजाक वजाक हंसी वसी सब काम करना है, मुँह करके खाना पीना ऐसे करना है, टेंशन ले रही है, मौसम बहुत सुहाना है, इसलिए चलो ओके टिंग काउंट मिलते हैं। अब हम गैस डालने के बाद बताते हैं, बटन दिखाएंगे, चिलिंग दिखाएंगे नहीं, मतलब थोड़ा सा महसूस करवाएंगे। ठीक है, वो कर दिया होगा सिलेंडर, हमने उल्टा कर दिए। हाँ,
गैस हम डाल रहे हैं। यहाँ पर हमने एक सिस्टम को ऑन कर दिया, ये इसका कंडेंसर फैन चल गया, हवा बहुत ज़्यादा ही तेज है और ये गैस हम डाल रहे हैं। डिस्चार्ज प्रेशर और ये सेक्शन प्रेशर दोनों हम देखते हुए डाल रहे हैं। तो ऑलमोस्ट हमने इसमें गैस स्टोर कर दी है, ब्लोअर भी चल रहा है, बैक प्रेशर 49 तक आ गया, डिस्चार्ज प्रेशर 200 है। तो दोस्तों ये फाइनल वैक्यूम हो रहा है, डबल वैक्यूम का इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें, इस वाले एयर कंडीशन के अंदर ये वाला हमारा मुकम्मल हो गया है। गैस हमने इसके अंदर रिफ़िल कर दिया और ये प्रॉपर काम कर रहा है। तो इस वीडियो का लास्ट चैप्टर ये है, तो वीडियो हमारा एंड होता है, नेक्स्ट वीडियो पर दोबारा मिलेगा।